भाजपा वाले इस देश में, इस बिहार राज्य में उन्होंने क्या कहा था कि मैं यहाँ स्पेशल राज का दर्जा दूंगा, स्पेशल पैकेज दूंगा और बिहार में या देश में 2 करोड़ नौकरी देने का काम करूंगा। तो मुद्दे पर बात होनी चाहिए। संजय जायसवाल भाजपा के एक बड़े नेता हैं, डॉक्टर हैं, उनके पिताजी भी सांसद थे और वह बिहार राज्य के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जब ये बात बोल रहे हैं कि जेल जाएंगे, इसका मतलब है कि सीबीआई के डायरेक्टर संजय जायसवाल जी हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अविनाश। तेजस्वी प्रसाद यादव पे जिस तरीके से ईडी के द्वारा समन जारी किया गया है और जवाब मांगा जा रहा है, एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बजट सत्र चल रहा है, समय नहीं है, एक तरीके से भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है समय टाल रहे हैं और तेजस्वी यादव को जवाब देना होगा, अगर गलत किए हैं तो गिरफ्तारी भी होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से विधायक हैं रणविजय साहू। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि डरना क्यों है, आप डर क्यों रहे हैं, जाके जवाब दीजिए, अगर आप गलत किए हैं तो गिरफ्तारी हो गई आपकी, अब बचेंगे नहीं। देखिए, जिस प्रकार से माननीय नेता तेजस्वी जी, माननीय हमारे लोग के पार्टी के अभिभावक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को सीबी और ईडी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, पूरा देश देखने का काम कर रही है। और इस देश में कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कहीं भी सीबीआई ईडी का संज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जो सरकारें पूरे देश भर में उनके खिलाफ जो बोलने का काम कर रही हैं, ये चुप करने का काम करते हैं। तो जनता सर्वोपरि है इस लोकतंत्र में, 24 आ रहा है, बहुत नज़दीक है और निश्चित रूप से हमें लगता है कि इन सारी बातों का जवाब तो जनता ही देगी और आने वाला समय में निश्चित रूप से उनको जवाब मिलेगा। राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी, वो तो कह रहे हैं कि ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, शिवानंद तिवारी भी, कि अब बचने का कोई बात नहीं। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो सहयोगी दल हैं महागठबंधन में। देखिए, माननीय सुशील कुमार मोदी जी इस बिहार की राजनीति से रिटायर हो चुके हैं और भाजपा ने उनको आराम करने के लिए दिल्ली का इंतजाम कर दिया है। तो माननीय लालू प्रसाद जी का नाम लेके, माननीय तेजस्वी जी का नाम लेके वो सुबह से रात तक राजनीति करने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भाजपा वाले इस देश में, इस बिहार राज्य में उन्होंने क्या कहा था कि मैं यहाँ स्पेशल राज का दर्जा दूंगा, स्पेशल पैकेज दूंगा और बिहार में या देश में 2 करोड़ नौकरी देने का काम करूंगा। तो मुद्दे पर बात होनी चाहिए और कानून तो अपना काम करती है और हमारे नेता लगातार कानून का सम्मान। क्या लगता है जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो आरोप लग रहा है, अगर लालू परिवार में या फिर तेजस्वी यादव का गिरफ्तारी होता है तो राजद खेमे में कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। क्या लगता है गिरफ्तारी की बात कर रही है और भाजपा वाले और ये लोग बार बार ये कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार किए हैं उसका परिणाम तो मिलेगा ही, बचेंगे नहीं। देखिए, एक बदनाम करने की साजिश है। आप तर्कों को समझिए, तर्कों को समझिए। माननीय नेता तेजस्वी जी का उम्र क्या था जब यह केस रजिस्टर्ड हुआ इस देश में, सीबीआई ने रजिस्टर्ड किया, तो उनकी उम्र कितनी थी? तो बिल्कुल एक मैप बनाया गया, एक नक्शा बनाया गया, एक साजिश की गई है कि तेजस्वी यादव जी को फंसाया जाए, उनको बदनाम किया जाए। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी कभी झुके नहीं, कभी थके नहीं और पूरी ताकत के साथ, ऐसी फिरकापस्ती ताकतों के साथ, सामंती ताकतों के साथ लड़ने का काम किया और परिणाम आपके सामने में, आप देखिए। 2000 तेजस्वी यादव क्यों नहीं जाके सीबीआई और ईडी का जो है बातचीत करते हैं, क्यों नहीं उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि समय अभी नहीं है, बाद में देखेंगे, बाद में आएंगे, वर्चुअल मोड में पूछिए, ऐसे तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव माननीय हम लोग के नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ उन पर, 5-5 विभाग को विकास के रास्ते पर ओले चल रहे हैं, लगातार सदन में बजट सत्र चल रहा है, उनके कई विभाग हैं, 21 तारीख को हेल्थ विभाग का उनका बजट आने वाला है, इसी प्रकार से बहुत सारे विभाग हैं। तो निश्चित रूप से माननीय नेता हमारे हमेशा से कानून का सम्मान किए हैं और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर लोहिया जी के विचारधारा पर राष्ट्रीय जनता दल चलने का काम करती है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी
अपने को बिल्कुल सीबीआई के जो भी प्रक्रिया है उसमें उन्हें सहयोग करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है, संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो ये कह रहे हैं, सवाल जब किया गया तो वो तो ये कह रहे हैं कि लालू परिवार जो है आदतन घोटालेबाज है, हर चार साल पे जेल जाते हैं और फिर वही नौबत है, वो लोग जाएंगे। देखिए आप, संजय जायसवाल भाजपा के एक बड़े नेता हैं, डॉक्टर हैं, उनके पिताजी भी सांसद थे और वह बिहार राज्य के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जब ये बात बोल रहे हैं कि जेल जाएंगे, इसका मतलब है कि सीबीआई के डायरेक्टर संजय जायसवाल जी हैं। वो तो ये कह रहे हैं जेल जाना निश्चित है, आदतन घोटालेबाज है लालू परिवार। आप संजय जायसवाल जी कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे? ये तो कानून तय करेगा, सीबीआई का कोर्ट तय करेगा, तो निश्चित रूप से न्याय पर भरोसा है। हम सबको, पूरी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल पूरे परिवार को, महागठबंधन परिवार को पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। देर होगी लेकिन सत्य की जीत होगी। ठीक है, ये थे हमारे साथ रणविजय साहू जो राजद से विधायक हैं, और सत्य कभी जो है पराजित नहीं हो सकती, जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव और सीबीआई और ईडी के जो है लगातार जो है एजेंसियां जांच कर रही है, आखिरकार परिणाम जो क्या होगा वो आपको हम हर जो है विषय पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।